आपके साथ सृष्टि, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स टीवी। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की पांच बड़ी खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी याचिका खारिज होने के बाद निर्भया के दोषी मुकेश कुमार पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट, वहां पे दायर की डेथ वारंट याचिका। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में भाजपा अकेले उतरेगी या फिर अपने पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के साथ, इसे लेकर आज भाजपा के नेतृत्व में होगी बैठक। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी से बढ़ते हुए अपने सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए जारी किया उम्मीदवारों का नाम। तमिलनाडु के मदुरई में हुई फेमस त्यौहार जल्लीकट्टू की शुरुआत, इस त्यौहार में 760 ले रहे हैं हिस्सा। दिल्ली पुलिस शाहीनबाग में सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की करेगी कोशिश, दिल्ली पुलिस को मिली ये जिम्मेदारी कि लोगों को शांतिपूर्वक कराए शांत। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स।